ये था हमारा रूम और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सिक्योरिटी थी। ये रूम के अंदर घुसने के लिए चाबी चाहिए होती है। चाबी उठा लियो भाई, अभी तुम चेकआउट कर रहे हैं। फिर यहाँ से, अरे हाँ एक चीज़ और दिखानी थी। ये तो था मेन का शावर रूम, ठीक है। अगर आपको वुमेन वाले में जाना है ना, तो इसके लिए अलग पासपोर्ट चाहिए वुमेन के शावर रूम जाने के लिए। तो ये हमको तो बताया ही नहीं तो अब चलते हैं। देखो एलिवेटर, और अभी शायद 12 बजे तो एलिवेटर चल ही नहीं रहा होगा। रहने दे, क्या करेगा। अब इसके अंदर घुसने के लिए एक पासपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है। अब एलिवेटर तो अभी बंद कर रखा है, 12 बजे तक बंद रहता है एलिवेटर, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। थी होटल के एंट्रेंस, वहाँ से आप अंदर आ सकते हो। वेंडिंग मशीन है, ये एलिवेटर बंद था। कोई आप मतलब इनके जो रिसेप्शन पे है उस पर भी नहीं जा सकते आप 12 बजे से पहले। 12 बजे चलना शुरू होएगा एलिवेटर। और स्टेयर्स से अगर आपको जाना है तो यहाँ पे भी पासपोर्ट भरना है। तो भाई मतलब कोई बंदा अगर 12 बजे से पहले आता है यहाँ पे तो वह अंदर ही नहीं घुस पाएगा, या फिर 9 बजे के बाद आता है। 9 बजे के बाद फिर हमने कैसे कैसे पासपोर्ट पता किया, अजय भाई ने पता करके बताया कस्टमर केयर पर पूछ के। तो फिर हम ऊपर गए थे। तो क्या सेंस है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। और हर में ऐसा है। और लिफ्ट में पता है क्या है कि अगर आप नीचे वाले से थर्ड फ्लोर पे जाओगे ना, तो मतलब सेकंड फ्लोर पे जाना है तो पहले लिफ्ट थर्ड फ्लोर पे जाएगी ही जाएगी। आपको पहले चेक करेंगे वो कि आप यहाँ पे रहते हो या नहीं रहते, और फिर आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो। क्या पता नहीं क्या नॉनसेंस है यार। और कैमरे में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिख रही है, तो गोले गिर रहे हैं भाई पूरे। भाई बहुत ही तेज बर्फबारी हो रही है, पर हम उनको चौक के जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है परसों। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का सपोरो में। सुबह हम निकल गए थे अपने ओटारू से टोक्यो जाने के लिए, क्योंकि हमारी परसों की फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा भाई जापान रेल पास का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, थोड़े पैसे और खर्च करे जाएँ और जापान की सबसे महंगी ट्रेन में सफ़र किया जाए। पंजाबी तो नहीं कर रहा, ये टोक्यो मतलब नॉर्मल वाली में ही जा रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे अब टिकट सबसे महंगी ट्रेन की, हालांकि वो चलते शिन होकाइडो पे, मतलब एक स्टेशन है उसमें होकाइडो में, वहाँ से चलते टोक्यो तक। पर टोक्यो तक की टिकट बहुत ही महंगी है, बताता हूँ मैं कितने की है। तो मैं एक स्टेशन की टिकट ले लूँगा जो कि मतलब 1 घंटे की ट्रेन राइड होगी, वो भी पास होने के बावजूद हमको बहुत सारे पैसे देने हैं। बताता हूँ कितने पैसे देने पड़ेंगे और कैसा रहेगा उस ट्रेन का सफ़र। यहाँ से टिकट देखते हैं। ये करा लिया हमने टिकट बुक 12,000 येन की, जो कि राइड है सिर्फ 57 मिनट की। और क्या ही बताऊँ मैं आपको, अब 1 घंटे की जर्नी के इस पास के ऊपर हमने 12,000 येन और दिए हैं। तो ये शायद बताता हूँ, चलो अभी तो भाई पंजाबी कैसा लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, मैं तो नहीं जा रहा इसमें तो चल तू भी तेरी भी करा देता हूँ तो भाई अगर आपको नहीं पता ग्रैंड क्लास क्या है, तो पहली बात तो ये सिर्फ अवेलेबल है जो कि ट्रेन चलती हैं होकाइडो की तरफ, टोक्यो से नॉर्थ जाती हैं, जो मतलब जो टोक्यो से शिन होकाइडो से ये जाती है, वहीं के लिए ग्रैंड क्लास का डिब्बा है। और सिर्फ डिब्बा, सिर्फ एक ही डिब्बा है पूरे ट्रेन में जिसमें ग्रैंड क्लास है, ठीक है। और जो आप ओसाका, हिरोशिमा ये सब जाओगे, इन ट्रेन्स में है ही नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि ग्रैंड क्लास ग्रीन क्लास है, तो गलत है। पहले आती है ऑर्डिनरी क्लास जो कि मतलब सारी ट्रेन्स में होती है, फिर आती है ग्रीन क्लास जिसमें खाना वगैरह मिलता है, फिर आती है ये स्पेशल क्लास ग्रैंड क्लास। और अगर आप इसकी टोक्यो तक की टिकट लोगे तो इसकी टोक्यो तक की टिकट नंगे ही हो जाओगे, तो आप नंगे ही हो जाओगे। इसकी टोक्यो तक की टिकट आती है भाई 50,000 येन की, जो कि हो जाता है लगभग मान लो आप $400 के करीब, 30,000 रुपये मतलब आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 4 घंटे की राइड के लिए। तो जापान की सबसे महंगी बुलेट ट्रेन में हम सफ़र करने जा रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा कि जो वो होती हैं क्या कहते हैं, जो हम जिस लोकल क्लास में बैठ के जाते हैं ऑर्डिनरी क्लास में, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है 3
इस तरफ और दो उस तरफ, ग्रीन क्लास की होती है शायद, दो उस तरफ और दो उस तरफ कुछ ऐसी होती है शायद, या फिर तीन एक की पता नहीं क्या होती है, ग्रीन क्लास की मेरे को नहीं पता, पर थोड़ी सी कम होती है सीट मतलब उसमें। और ग्रैंड क्लास में होती हैं दो एक तरफ और एक एक तरफ, एक पर्सनल पूरी। तो जो लड़की बैठी थी उसने मेरी एक उस तरफ कर दी, विंडो सीट बुक। तो चलते हैं पास के ऊपर 12,000 यन दिए मैंने, इसलिए ग्रीन क्लास नहीं ली क्योंकि मैंने कहा क्या फ़ायदा, एक बार ग्रैंड क्लास ले लेंगे तो उसमें 12,000 अपने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटे की राइड लेंगे हम 12,000 यन दे के, मतलब कितने हो गए 12,000 यन, 7-8,000 जितने की जैकेट ली, मतलब उससे थोड़ा सा कम, 8,000 रुपये करीब। और जबकि पास के ऊपर, मतलब सिर्फ मैं पास नहीं होता तो 20,000 की पड़ती है टिकट, 20-22,000 की पता नहीं। चलो चलते हैं, 1:27 यहाँ से पहले लोकल ट्रेन है जो कि हमको सिन होकाडो ट्रिप पहुँचाएगी 3 घंटे में, और फिर वहाँ से जाएंगे टोक्यो। आज हमने सोचा कुछ नया ही ट्राई करते हैं, अब इसमें पता ही नहीं भाई क्या है, चावल है यहाँ पे, कुछ नॉन वेज है, यहाँ आलू है, यहाँ पे एक छोटी सी बोतल भी रखी है। ये बोतल खोल के देखी तूने क्या है वो बोतल? सोया सॉस। अच्छा, तो यहाँ पे सोया सॉस है, दोनों सेम ही लेके आ गए, रिस्क लेंगे तो दोनों लेंगे। अब ये दो चाउमीन क्यों पड़ी है इसमें? तो भाई ये छोटी सी शीशी मिली है सोया सॉस की, ये चावल बहुत ही सख्त है भाई, इन पे डाल लेता हूँ। पत्थर है, चावल पत्थर है। लोग भी सोचेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा टेस्ट तो बनेगा। लड्डू की बताया था आइसक्रीम फेमस है, हैं? अरे लिखा होगा कि बेस्ट थिंग टू डू इन सपोरो, लिखा था सपोरो आइसक्रीम। तो होकाडो की चार तरह की यहाँ पे लिखी हैं, मतलब रखी हैं आइसक्रीम, वो चॉकलेट वाली ले लेते हैं। ये हम पहुँच गए हैं, बज रहे हैं शाम के 5:15, 17:26 वाली मेरी ट्रेन है हायाबुसा 44। तो इसमें सारी सीट्स रिजर्व्ड ही हैं, तो देवांग ने भी रिजर्व करा रखे टोक्यो तक की, और मैंने रिजर्व कराई है टोक्यो तक की है मेरी, पर बीच में शिनामोरी तक की ग्रैंड क्लास है। यहाँ पे गरीब लोग देख रहे हैं कि खाने पीने का ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो मेरी क्लास में तो भाई सब मिलेगा। देखो आपको भरना है पानी वानी भरो जो करना है, मेरे को तो पानी पीने का खाने का सब मिलेगा। तो भाई हमने थोड़ी गलती कर दी थी बुक करने में, ग्रैंड क्लास वाला डिब्बा है नंबर 10 और हमने बुक कर दी थी 1 में, तो दिवांग की सबसे आखिरी डिब्बा है और मेरा सबसे पहला है। चलो आगे की ट्रेन, वो है वो वाला डिब्बा जो सबसे आगे गया ना, वो ग्रैंड क्लास का डिब्बा है, तो मेरा वहाँ पे है। और दिवांग देख वो भागने लग रहा, उसका वन नंबर डिब्बा वो आखिरी में है। अभी आई है, इसमें से पैसेंजर्स उतरेंगे और फिर मतलब पैसेंजर तो दिख नहीं रहे मेरे को, लग रहा है कोई है नहीं। चलो अपने वाले पे चलते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है नॉर्मल क्लास, ठीक है, इसमें सीट देखो 3 और उस तरफ 2, 5 सीट होती है इस वाली में नॉर्मल क्लास में। ये है भाई देखो ग्रीन क्लास, ठीक है, इसमें होती है 2 और 2 सीट इस तरफ, 2 सीट उस तरफ, आपको थोड़ी दिख रही है, चलो अंदर से दिखाता हूँ। तो भाई ग्रीन कार पे ना यहाँ पे साइन भी होता है ग्रीन कार का, हमको और आगे जाना है, हमारी है ग्रैंड क्लास, सबसे आगे वाला डिब्बा ट्रेन के डायरेक्शन में ग्रैंड क्लास का होता है। ये है भाई ग्रैंड क्लास का डिब्बा, एक ही डिब्बा होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसी होती है भाई, अंदर कारपेट वगैरह भी छा रखा है, और ये है 5A, ये रही मेरी सीट। देखो भाई प्लेन की तरह है ऊपर ये डिब्बे, 5A का ये डिब्बा है, सबके अपने अलग अलग डिब्बे हैं, बी और सी का थोड़े छोटे हैं, और कोई भी नहीं है भाई, मैं अकेला हूँ। ये है सर्विस मेन्यू इनका, इसमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, पर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं जहाँ तक मैंने टिकट लिया ना वहाँ तक ये सर्व नहीं करेंगे सब कुछ, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों नहीं करेंगे, पर नहीं करेंगे, ठीक है, शायद करें शायद ना करें, पर जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उससे मेरे को समझ में आ रहा है नहीं करेंगे। तो ऐसे मेन्यू सा है इनका, और भाई ये देखो सीट ऊपर नीचे करने का, एक और बंदा आ गया है, नहीं नहीं ये जा रहा है शायद, नहीं नहीं है अपने में ही है, चल नहीं रहा पर पता नहीं, और चल गया सब अपना पूरा बेड सा बन जाता है, ये आराम से सोते हुए जाओ, ये बेड बन गया,
और दो ऑप्शन है। यहाँ पे भी कुछ दे रखा है, चप्पल है ग्रैंड क्लास की। इसकी ना विंडोज भी बिल्कुल अलग सी है। ये तो है ही डाउन करने का, अब तो खैर रात हो रखी है, डाउन करो चाहे मत करो एक ही बात है। चप्पल दी है भाई ग्रैंड क्लास में, ये तो अपना डे ही चलेंगे, सही लग रही है। मिलेगी भाई एक ट्रे, इतनी खुलती है ये तो बड़ी कम खुलती है। ये क्या है भाई, ये तो अच्छा, ये है ट्रे खुलने का मसला। ओह हो, ऐसे निकल आती है पूरी, सही है। और क्या क्या भाई, लाइट है चलती कहाँ से है पर ये पता नहीं मेरे को। और मस्त है यार केबिन, पर है बड़ी महंगी यार। भाई वी हैव क्रिएटेड लग्जूरियस प्रीमियम स्पेस फॉर 18 स्पेशल पैसेंजर्स ओनली। टाइम हो गया 5:26 और हमको एग्जैक्ट 57 मिनट के बाद इस ट्रेन से उतर जाना है, मतलब इसी ट्रेन में बैठना है पर डब्बा दूसरा। तो चल चुके 5:26 पे अपनी ट्रेन। हमारा आखिरी डिब्बा है मतलब ये। अभी कैबिन अटेंडेंट ये देके गई है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मिनरल वाटर और क्या है, और है ये कुछ हाथ वाथ साफ करने का, और है सॉल्ट चॉकलेट। ओहो वाह यार नाइस। और क्या है, और तो कुछ थैंक यू वैंक यू है। पता नहीं शायद देंगे या फिर क्या है मेरे को पता नहीं। चलो देते होंगे शायद। अभी कैबिन अटेंडेंट आके ऑर्डर भी लेके गई है। दो ऑप्शन थे, जैपनीज चूज कर सकते हो या फिर आप वेस्टर्न चूज कर सकते हो, जो मैंने आपको मेन्यू में दिखाया। मैंने जैपनीज चूज कर लिया, वेस्टर्न में क्या ही आता, मेरे को वेस्टर्न पसंद नहीं है खाना, तो जैपनीज चूज कर लिया। पर 57 मिनट में उतरना है भाई इस ट्रेन से, और 5 मिनट हो भी गए चले हुए, तो जल्दी जल्दी खा पी के अपने उतर के दूसरे डिब्बे में बैठेंगे। अच्छा एक्सपीरियंस है यार, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। भाई साहब क्या चीज़ है यार, एप्पल जूस मंगाया मैंने, मतलब कितना भी आप पी सकते हो ऐसे तो एप्पल जूस भाई, क्लास भी ग्रैंड क्लास, डिब्बा भी भाई साहब, मतलब क्या ही चीज़ है यार। मतलब ये होता है यार असली, मतलब जो बिज़नेस क्लास में सर्विस होनी चाहिए, कई एयरलाइन ये चीज़ भी नहीं दे पाती है पता है, और जो यहाँ पे ट्रेन में मिल रही है। बॉटल भी ग्रैंड क्लास के लिए डिज़ाइंड है यार। यहाँ पे एरोप्लेन की तरह कैबिन अटेंडेंट को बुलाने के लिए भी बटन है, और इसके अंदर अब दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो पन्नी हटाओ पहले, काश ये डिब्बा ही, मतलब मैं सोच रहा था भाई ऐसे कैसे यार, कई चीज़ें ऐसी ऐसा मतलब ऐसी पैकिंग कर देते ना कि यार फेंकने तक का मन नहीं करता इस चीज़ को। मज़ेदार है यार, नाइस। ऐसी कुछ है भाई ग्रैंड क्लास की टॉयलेट, इसको आप पर्दे को कर सकते हो बंद ताकि कोई ना देख पाए, पूरा नहीं होता पता चल जाए ताकि कोई खड़ा है तो। ऐसी मतलब नॉर्मल जो इस ट्रेन में टॉयलेट है वो भी ऐसी ही है, बस इसमें पर्दा लाल कलर का है। देखो भाई टॉयलेट कितनी बड़ी है, यहाँ पे भी ओपन क्लोज का बटन है, इस तरफ ऑटोमेटिक टॉयलेट। मैंने नॉर्मल क्लास की टॉयलेट देखी नहीं है कि कैसी है, पर ये तो भाई वहीं पे हाथ धोने का है, वहीं पे बैठे रहो, उठना भी नहीं है आपको, वहीं पे हाथ धो लो भाई, साबुन भी पूरा भरा पड़ा है। खैर नॉर्मल टॉयलेट भी इनकी शिनकानसेन की अच्छी होती है, यहाँ पे भी एक धोने का है, तो कितनी बड़ी है टॉयलेट। और ये शीशा इतने नीचे क्यों है भाई, इसका क्या करना है टॉयलेट करते करते, मतलब मुंडी उस तरफ करके बैठना है क्या इस पे? और अच्छा इस पे तो चलो यहाँ पे बैठे बैठे धो सकते हो, इस शीशे का क्या सेंस है। अच्छा डबल पे भी लिखा है ग्रैंड क्लास, डबल एंट्रेंस है ग्रैंड क्लास की। खा लिया अपने खाना, बस 20-21 मिनट में पहुंच जाएंगे। चप्पल अपनी बैग में रख लेते हैं, और ये जो थैला दिया था ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, चॉकलेट वॉकलेट सी है, ये भी रख लेते हैं, याद रहेगी। भाई ये लाइट जलानी भी मेरे को आ गई है, कोई भी बटन नहीं है, इस लाइट की मुंडी जो है ऐसे घुमाओगे तो जल जाएगी।
सीट देखो यार कैसी सी है, मतलब पूरी रिक्लाइन हो जाती है, इसके अंदर चली जाती है, और सीट है हिटाची की, नाइस यार। तो भाई अपना स्टेशन आ चुका है, उतरना है, ये खत्म, अब चलते हैं पंजाबी के पास। डोर्स भी लाल कलर के दे रखे हैं, फिनिशिंग टच तो बहुत ही अच्छा है भाई ग्रैंड क्लास का, पर महंगी बहुत ही ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। बस आने वाला है, मैं इसलिए खड़ा हो गया यहाँ पे आगे, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी भाग के वन नंबर पे जाना है, मतलब दो तीन डिब्बों बाद अंदर घुस जाऊँगा, फिर ट्रेन के अंदर ही जाऊँगा, वरना निकल जाएगी, एक मिनट रुकनी है। आ गया भाई अपना स्टेशन, गरीब जनता अपना अपना खाना खाया जा रहा है। तूने खाई नहीं आइसक्रीम, मेरा वेट कर रहा था क्या? हाँ। खा गया तू? मेरी बच्ची मेरी पिघल गई यार ये तो, चल कोई नहीं। और कैसा रहा सफर? तो भाई जब मैं गेट के पास खड़ा था ना उतरने के लिए, तो जो वहाँ पे हॉस्टेस थी भाई, वो ये भी देखे गई, और ये हैंड रिटन है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब पता नहीं जापानी में क्या लिखा है, पर जो भी लिखा अच्छा ही है। पीछे सपा सीरीज E5 शिनकानसन 2022, नाइस। अब चलते हैं टोक्यो में, और ये जो फर्स्ट डिब्बा और लास्ट डिब्बा होता है ना, आधा ही होता है, क्योंकि आधे डिब्बे में आगे चोंच होती है, मतलब जो इंजन होता है वो होता है, तो सीट्स भी छह ही होती हैं बस, वरना और डिब्बों में 20 होती हैं। गरीब लोगों के लिए मैं चप्पल ले आया, व्हाट्सएप पे कह रहा भाई चप्पल मेरी, मैंने कहा भाई ले ले यार, तो बैठ के वहाँ पे पहले काम किया किसने, बैठ के पहले काम किसने क्या किया, बैठ के फोटो भेज दी मेरे को, फिर मेरे को चिट मच रही, चल कुछ तो ले जा मेरे लिए। तो इसके लिए चॉकलेट भी बचा के लाया, मैंने खाई नहीं, और चप्पल हो तो भाई थैंक यू, कोई नहीं यार ले ले। हमारी बुलेट ट्रेन पहुंच चुकी है स्टेशन पे, 10 मिनट में साफ होके नए पैसेंजर खड़े हैं, इनको लेके चली जाएगी। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अब हम मिलेंगे आपको, मे बी मैं अब जापान में एक भी वीडियो ना बनाऊं, परसों हमारी फ्लाइट है यहाँ से इंडिया के लिए, मैं भी बनाऊँ मैं भी ना बनाऊँ कुछ नहीं कह सकते, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तो मिलते हैं आपको अब मैं भी नई वीडियो में, या फिर किसी नए देश में, मतलब नई वीडियो तो होगी।